हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। टुडे आवर स्टडी ऑफ क्लास 10th चैप्टर 3 पॉलीनोमियल चैप्टर। अपन ने स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की थी, उसमें अपन ने 3.5 से क्वेश्चन नंबर 2 तक अपन ने स्टडी कर लिया था। फर्स्ट था अपने पास में फाइंड द नेचर, अपने को ओनली नेचर फाइंड आउट करना था। b²-4ac=0, 4ab²-4ac<0, b²-4ac>0। अब अपन देखो नेक्स्ट वीडियो में अपने पास इस वीडियो में अपन स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास स्टूडेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच फ्लोइंग वाटर इक्वेशन हैव रियल एंड नो फैशन रूल्स। अपने पास में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अपने को वैल्यू फाइंड आउट के करना है इन ऑफ फ्लोइंग वाटर इक्वेशन हैव रियल एंड फैशन रूल। अपने पास में रियल एंड फ्रैक्शनल रूट अपने पास में गिवन है, तो अपन अपने पास में स्टूडेंट अपन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास में है kx²+2x+1। अपने पास में स्टूडेंट गिवन इक्वेशन है kx²+2x+1=0। k² अपने पास में क्या है गिवन, अपने पास में इक्वेशन है kx²+2x+1=0। अपन इसमें अपन क्या करेंगे कंपेयरिंग इट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन इसमें इसमें अपन स्टडी करेंगे अपने पास में वो जीवन है कंपेयरिंग इट बाय जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन कंपेयरिंग इट बाय क्या है बाय जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास स्टूडेंट जीवन है अपने पास में kx²+2x+1=0। अपने पास स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीवन है kx²+2x+1=0 कंपेयरिंग इट बाय जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास स्टूडेंट होती है ax²+bx+c=0, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट कंपेयरिंग बाय गिवन इक्वेशन ए ऑफ वैल्यू बी ऑफ वैल्यू सी ऑफ वैल्यू, ए ऑफ वैल्यू x² ऑफ कोएफिशिएंट के, ए ऑफ वैल्यू x ऑफ कोएफिशिएंट 2, बी ऑफ वैल्यू एंड सी ऑफ वैल्यू 1, सी ऑफ वैल्यू स्टूडेंट 1। अब अपने को स्टूडेंट इसमें फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट, अपने को स्टूडेंट इसमें फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट d = b²-4ac। ओके स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ वैल्यू d = b²-4ac। तो अपने पास में स्टूडेंट d = b², बी ऑफ वैल्यू स्टूडेंट 2 ऑफ स्क्वायर माइनस 4 × ए ऑफ वैल्यू के एंड सी ऑफ वैल्यू 1, 2 ऑफ स्क्वायर 4 × 4 = 4 के। ओके स्टूडेंट b²-4ac फाइंड आउट करते हैं, तो b² 2 ऑफ स्क्वायर माइनस 4 × ए ऑफ वैल्यू के सी ऑफ वैल्यू 1, तो 2 ऑफ स्क्वायर 4 × 4 = 4 के। 4 इज ए कॉमन फैक्टर, तो 4 × 4 = 4 इज कॉमन के, 4 × 4 = 1 - k। सो स्टूडेंट अपने पास में कंडीशन गिवन है, अपने पास में कंडीशन इज गिवन 4 रियल एंड फ्रैक्शनल। अपने पास में स्टूडेंट कंडीशन गिवन है रियल एंड फ्रैक्शनल रूट्स। ओके स्टूडेंट अपने पास में कंडीशन इज गिवन रियल एंड फ्रैक्शनल रूट, तो अपने पास स्टूडेंट d > 2 = 0 रियल एंड फ्रैक्शनल रूट्स ऑफ कंडीशन d > 0। सो स्टूडेंट d ऑफ वैल्यू 4 1 - k > 0, तो
अपने पास स्टूडेंट डी ओ वैल्यू 1 माइनस के ग्रेटर देन 0, 4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 0 डिवाइड बाय 0 0, सो स्टूडेंट 1 माइनस के ग्रेटर देन 0, 4 इज मल्टीप्लाई बाय डिवाइड डिजिट 0, तो 0 डिवाइड बाय 4 0, तो अपने पास स्टूडेंट 1 माइनस के ग्रेटर देन 0, तो अपने पास में इसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो k ग्रेटर देन इक्वल 1 माइनस के प्लस के, सो स्टूडेंट के ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 1। अपने पास स्टूडेंट गिवन था, अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 1 इक्वल 0, तो गिवन इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, कंपेयरिंग इट बाय जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, x स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट a ऑफ वैल्यू, x ऑफ कोएफिशिएंट b ऑफ वैल्यू और c ऑफ वैल्यू 1। अपने पास फाइंड आउट करना था डिटरमिनेंट d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 2a स्क्वायर 4 माइनस 4 इनटू a ऑफ वैल्यू k, c ऑफ वैल्यू 4, 2 स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, 4 k, तो 4 इज कॉमन फैक्टर, 4 1 जा 4, 4 इज k, तो अपने पास में स्टूडेंट 4 इनटू 1 माइनस k डेसिमल डी ऑफ वैल्यू, फोर कंडीशन गिवन है, फोर रियल एंड फ्रैक्शनल हो, रियल एंड फ्रैक्शनल हो, तो अपने पास में स्टूडेंट इसमें होता है डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, तो डी ऑफ वैल्यू 4 1 माइनस k ग्रेटर देन 0, अपने 4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 0 डिवाइड बाय 4 0, तो 1 माइनस k ग्रेटर देन 0, तो माइनस k और प्लस k, तो k लेस देन 1, तो अपने पास में k और लेस देन वैल्यू 1। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपने पास में सेकंड क्वेश्चन आता है इसका, kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0, तो अपने पास स्टूडेंट गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0, ओके स्टूडेंट, अब अपन क्या करेंगे, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इट बाय जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग बाय जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, सो स्टूडेंट गिवन इक्वेशन है kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0, सो स्टूडेंट a ऑफ वैल्यू k, b ऑफ वैल्यू 6 एंड c ऑफ वैल्यू 1। अपने पास में कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेसिमेंट, अपने पास में स्टूडेंट डेसिमेंट d इक्वल वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, डेसिमेंट d ऑफ वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, अपने पास में b स्क्वायर b ऑफ वैल्यू 6 स्क्वायर माइनस 4 इनटू a ऑफ वैल्यू k एंड c ऑफ वैल्यू 1, 6 ऑफ स्क्वायर 36, 4 बंदा 4, 4 मल्टीप्लाई के 4 के, ओके स्टूडेंट 6 ऑफ स्क्वायर 36, 4 मल्टीप्लाई के 4 के, 4 बंदा 4, 4 इज ए कॉमन फैक्टर, तो 4 4 9 का 36, 4 इज के हम कॉमन, तो 4 इनटू 9 माइनस के, 4 इनटू 9 माइनस के, ओके स्टूडेंट, अपने पास में गिवन इक्वेशन है kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0, कंपेयरिंग इट बाय जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0, कंपेयरिंग इट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, x स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट a ऑफ वैल्यू, x ऑफ कोएफिशिएंट b ऑफ वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू 1, तो b स्क्वायर माइनस 4ac b ऑफ वैल्यू, 6x स्क्वायर माइनस 4 इनटू a ऑफ वैल्यू k c ऑफ वैल्यू 1,
फ्रैक्शनल रूट। अपने पास में पहले से गिवन है फोर रियल एंड फ्रैक्शनल रूट, तो अपने पास में डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, तो डी ऑफ वैल्यू फोर इंटू नाइन माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, तो फोर इंच मल्टीप्लाई बाई डिवाइड, तो अपने पास में नाइन माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, नाइन माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। अपने को स्टूडेंट इसमें फाइंड आउट करना है के ऑफ वैल्यू, तो अपने पास में के ऑफ वैल्यू अपने पास में फाइंड आउट होगा के ग्रेटर देन नाइन, अपने पास में नाइन माइनस के ग्रेटर देन जीरो, तो अपने पास स्टूडेंट के ऑफ ग्रेटर देन नाइन। अपने पास में गिवन ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, तो गिवन इक्वेशन कंपेयरिंग इट बाय जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, ए ऑफ वैल्यू एक्स स्क्वायर का ऑप्शन, ए ऑफ वैल्यू एक्स ऑफ ऑप्शन बी ऑफ वैल्यू और सी ऑफ वैल्यू वन, तो डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए ऑफ वैल्यू के सी ऑफ वैल्यू वन, सिक्स ऑफ स्क्वायर थर्टी सिक्स, फोर मतलब फोर फोर के, तो थर्टी सिक्स एंड फोर इज कॉमन फोर, फोर नाइन का थर्टी सिक्स, फोर इज कॉमन के। तो अपने पास स्टूडेंट कंडीशन गिवन है फोर रियल एंड फ्रैक्शनल रूट, तो अपने पास में डी ग्रेटर देन जीरो, फोर मल्टीप्लाई बाई डिवाइड जीरो, तो अपने पास में नाइन माइनस के ग्रेटर देन जीरो, तो के माइनस के प्लस के, तो के इज ग्रेटर देन नाइन। इसी के अकॉर्डिंग अपने पास स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में फोर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आता है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फोर विच, फोर विच इक्वेशन, फोर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल जीरो, सिक्सटीन इक्वल जीरो हैज नो रियल रूट। कंडीशन इज गिवन स्टूडेंट अपने पास में हैज नो रियल रूट, कंडीशन इज गिवन हैज नो रियल रूट, तो अपने पास स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं, तो अपने पास में गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल जीरो, अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल जीरो, तो अपने पास में स्टूडेंट गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स के एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल जीरो। अब अपन करेंगे स्टूडेंट कंपेयरिंग, कंपेयरिंग बाय इक्वेशन क्वाड्रेटिक, कंपेयरिंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपन स्टूडेंट कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में आता है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल जीरो। अपन स्टूडेंट ए ऑफ वैल्यू, बी ऑफ वैल्यू, सी ऑफ वैल्यू, ए ऑफ वैल्यू, बी ऑफ वैल्यू एंड सी ऑफ वैल्यू, ए ऑफ वैल्यू एक्स स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट वन, बी ऑफ वैल्यू एक्स ऑफ कोएफिशिएंट फाइव के एंड कोएफिशिएंट वैल्यू सिक्सटीन। ओके स्टूडेंट कंपेयरिंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, तो अपने पास में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए ऑफ वैल्यू, एक्स ऑफ कोएफिशिएंट बी ऑफ वैल्यू
फोर वन जा फोर, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, तो अपने पास 25 ऑफ स्क्वायर, 25 ऑफ स्क्वायर 5 के स्क्वायर ऑफ के, तो 5 के स्क्वायर और 16 ऑफ 8 स्क्वायर, तो अपने पास इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अपने पास इसमें आएगा a प्लस b और a माइनस b, यूज द आइडेंटिटी 25 के स्क्वायर माइनस 16, 25 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर एंड 16 ऑफ 8 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b, a प्लस b एंड स्पेंड a माइनस b, a प्लस b एंड a माइनस b। अब अपन स्पेंड जो तो अपने पास कंडीशन है नो रियल रूट, यूज द गिवन कंडीशन हैज नो रियल रूट, तो अपने पास स्पेंड हैज नो रियल रूट इक्वल b लेस देन 0, d लेस देन 0, अपने पास में d लेस देन 0, तो अपने पास स्पेंड अपने पास इसके फैक्टर आएंगे तो 5k प्लस 8 और एक आ रहा है अपने पास में 5 माइनस के लेस देन 0, अपने पास में क्या है स्टूडेंट लेस देन 0, तो अपन इसका k का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, तो k इक्वल k ग्रेटर देन 8 अपॉन 5 माइनस 8 प्लस 8 5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड और k लेस देन माइनस 8 अपॉन 5, अपने पास में स्टूडेंट वो गिवन है अपने पास में d लेस देन वैल्यू 0, तो अपने पास में 5k प्लस 8 इक्वल 0, तो 5k इक्वल प्लस 8 माइनस 8, तो k इक्वल माइनस 8 अपॉन 5, तो k ग्रेटर देन माइनस 8 अपॉन 5, बिकॉज अपने पास में माइनस ऑफ वैल्यू इट इज पॉजिटिव वैल्यू, इट इज पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड 5k माइनस 8 इक्वल 0, तो 5k इक्वल माइनस 8 प्लस 8, तो k इक्वल 8 5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 8 अपॉन 5, सो स्टूडेंट अपने पास में k ग्रेटर देन 8 अपॉन 5 और k लेस देन माइनस 8 अपॉन 5, इसी के अकॉर्डिंग अपना स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट थैंक्स।